कोशिय शोषण पर ग्लुकोज भाई सरल शर्करा क्रियाधार दरकार होता है। तुम्हें एवं जाए कोशिय शोषण ही पढ़ु ना, कोशिय शोषण भितर आम मेन आधार कौन थी सी कही तो मेन चलता कौन आम ग्लुकोज तो सी से कौच कोशिय शोषण पर ग्लुकोज भाई सरल शर्करा क्रियाधार दरकार होता है। जीव ग्रहण करुवा जैविक पोषक शरीर में सरलीकृत हो प्रत्येक कोष को जाए। तुम्हें जान लो आम जमी भी खाद्य खाऊे पोषण में भी पढ़ी थे खाद्य खाऊे जटिल अवस्था खाऊे से सरल होन्न अंग प्रत्यंग जाऊँ तो सेमती जीव ग्रहण करुवा जैविक जैविक पोषक शरीर में सरलीकृत हो प्रत्येक कोष भितर को जाए। मनुष्य शरीर में यह पाचक प्रणाली और उद्भिद शरीर प्रत्येक कोष बातक निर्दिष्ट कोष से यह खाद्य सरलकरण घटी था आमर पोषण जोटा हूँ खाद्यटा हूँ आम कौन कहे मनुष्य शरीर से कौन कहु पोषक पाचक प्रणाली से उद्भिद कौन हो उद्भिद प्रत्येक कोष व किसी कोष से ही खाद्यर सरलीकरण प्रक्रिया घटी था। सबुठ गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ उद्भिद और प्राणी शरीर में होता वायु उपयोगी शोषण क्रियार व्यवहूत अम्लजान जोगाण जोटा कि से कहे ये शोषण हूँ उपयोगी शोषण जो अम्लजान आम उपयोगी अम्लजान आवश्यक रोचे से कहे से ही उद्भिद और प्राणी शरीर होता वायु उपयोगी शोषण क्रियार व्यवहूत अम्लजान जोगाण केमी हो देख जीव परेशर अम्लजान ग्रहण करायु उपयोगी शोषण क्रियार अम्लजान ग्रहण करवा एक अभिवेद्य अंश अम्लजान ग्रहण में उद्भिद और प्राणी मध्य भिन्नता देखा जाए तेणु उद्भिद प्राणी अम्लजान ग्रहण करने प्रक्रिया व्याख्या होगा दरकार या पर क्लास तुम देखेबी तो प्राणी प्राणी आ उद्भिद प्राणी आ उद्भिद भितर देख आम जो रेचन पढ़ी रेचन हौ पोषण हौ जहाँ भी हो जनन हौ तो प्राणी आ उद्भिद भितर डिफरेंस अच्छी तो एम कौटा कि निर्दिष्ट अंग रोचे एम कि निर्दिष्ट अंग रोनी कौटा निर्दिष्ट रोचे कौटा ए निर्दिष्ट होनी तो शोषण भी प्राणी शोषण अलग प्रकार होता है उद्भिद शोषण भी अलग प्रकार होता है। तो आम नेक्स्ट देखा या पर उद्भिद शोषण केमी हो प्राणी शोषण केमी हो उद्भिद आउ प्राणी तंको दुई जन कर अम्लजान ग्रहण प्रक्रिया अलग अलग प्रक्रिया रोज आम जीव शोषण में पढ़ी तो तेणु तक दुई जन शोषण भी अलग अलग प्रकार रो तो आम प्रथम पढ़ा उद्भिद शोषण तापर देखा प्राणी शोषण तो फर्स्ट आम कौन पढ़ा एवं पढ़ा उद्भिद शोषण देख उद्भिद शोषण कौन दे देख उद्भिद शोषण देख से बुक्रे कौन कह उद्भिद विसरण प्रक्रिया मध्यम परेशर वायु अम्लजान ग्रहण करिथाय तो मन रखिबो केउ प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे एटा तमे पढ़ीतला भी आमर रेचन ये पढ़ीतला से केउ प्रक्रिया रे करिथाय तो विसरण प्रक्रिया रे उद्भिद आमर अम्लजान ग्रहण करिथाय। टीस्युक्त विभेदन हो निम्नमान पत्रविहीन उद्भिद निज शरीर उपस्थिति कोष मध्यम परेशर अम्लजान युक्त वायु सीधासल विसरण द्वारा ग्रहण करता है। देख आम जो निम्नमान उद्भिद रोचे तो से कौन कर उच्चमान उद्भिद उद्भिद कोषर से ग्रहण कर देख देख मु तुमको ये जो कहे विसरण प्रक्रिया अम्लजान ग्रहण कर विसरण प्रक्रिया कौन गैस विनिमय प्रक्रिया जो प्रक्रिया कि से अम्लजान ग्रहण करेशर से प्रक्रियाटा है विसरण प्रक्रिया तो सी कह निम्नमान उद्भिद निज शरीर उपरिस्थ कोष मध्यम परेशर अम्लजान ग्रहण करें तो सी जो कोष देख ये आम कोष एमती थाए तो मेनली आम अम्लजानटा उच्च सांद्रतारु निम्न सांद्रता को गति करिथाय देखो मन रखिबो एटा उच्च सांद्रतारु निम्न सांद्रता को गति करिथाय देखो आमर वायुमंडल रे सांद्रता कोन रहउछ उच्च रहउछ तो उद्भिद कोष रे सांद्रता कोन रहउछ निम्न रहउछ तो तेणु से उद्भिद रु गोटे कोष को आसला तो गोटे कोष रु पुणी एपट कोष तार लियार सांद्रता आउ टिके कम थाए तो एठिक आसला एमती से आमर अम्लजान ग्रहण होता है।
जोटा से कही देख टीस्यू युक्त विभेदन हो निम्नमान पत्र विहीन उद्भिद निज शरीर उपरिस्थ कोष मध्यम परेशर अम्लजान युक्त वायु सीधासख विचरण द्वारा ग्रहण करें तो कौन मन रख निम्नमान उद्भिद निज शरीर देख निम्नमान उद्भिद निज शरीर उपरिस्थ कोष मध्यम परेशर अम्लजान ग्रहण करपर से कौन देसी देख सबुज पत्रुक्त उद्भिद सबुज पत्रुक्त उद्भिद केमी कर देख पत्र तुम्हें जान थो स्टोम बा स्टोमाटा एमती रहा तार कांडटा एम पत्र रहा युवा साधारण कौन स्टोम बा स्टोमाटा बुझिपाल से कौच सबुज पत्रुक्त उद्भिद स्टोम बा स्टोमाटा दे अम्लजान ग्रहण करें तो निम्नमान उद्भिद कौन करपरिस्थ कोष मध्यम परेशर अम्लजान ग्रहण करता है तो आम सबुज पत्र उद्भिद कौन कैना ना सबुज पत्र देख मु लिखुचे ये सबुज पत्र उद्भिद स्टोम बा स्टोमाटा स्टोम बा स्टोमाटा स्टोमाटा साहय अम्लजान ग्रहण करें देख बुक देखी देख मात्र पत्रुक्त सबुज उद्भिद पत्र स्टोम बा स्टोमाटा मध्यम परेशर अम्लजान ग्रहण करता है जोटा तुमको मुझे देखेली गोटे पत्र स्टोम कौटा यहीटा तो आउ कौन कौन से देख स्टोमाटा बाट दे अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस विनिमय घटी थाए स्टोम माध्यम स्टोम बा स्टोमाटा मध्यम आम पत्र अम्लजान और अंगारकाम्ल आदान मान ग्रहण होता है दिन बेले आलोक श्लेषण समय पत्र स्टोमाटा बाटे अंगारकाम्ल ग्रहण करे तुम्हें जान उद्भिद कौ प्रक्रिया खाद्य होता है आलोक श्लेषण प्रक्रिया तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया से कहि आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे दिन बेला से कौन ग्रहण करता है दिन बेला आम अंगारकाम्ल छाड़ती उद्भिद कौन प्राणी मान जीव प्राणी मैंने अंगारकाम्ल छाड़ा बेले उद्भिद मैंने अंगारकाम्ल ग्रहण करती तो सहीटा से कहे दिन बेले आलोक श्लेषण समय पत्र स्टोमाटा बाटे अंगारकाम्ल ग्रहण करें तो मन रख आलोक श्लेषण दिन बेले बा स्टोमाटा साहय कौन ग्रहण करे अंगारकाम्ल ग्रहण करे मन रख ल तापर से कौन कह देख राति बेला कौन हुए यही समय रे उद्भिद रे कोषीय शोषण रे बाहरुथिबा अंगारकाम्ल आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे व्यवहृत हो जाए आलोक श्लेषण रे बाहरुथिबा अम्लजान शोषण प्रक्रिया माध्यम रे व्यवहार हुए तो मन रख से कौन कहला आलोक श्लेषण रे दिन बेले स्टोम बा स्टोमाटा साहय अंगारकाम्ल ग्रहण कर किंतु जो अंगारकाम्ल आलोक श्लेषण प्रक्रिया व्यवहूत हो गला तो व्यवहूत पर आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो अम्लजान बाहर तो मुझे कौन कहली उद्भिद मैंने अंगारकाम्ल ग्रहण करती अम्लजान त्याग करती तो से अम्लजान जो त्याग करती के प्रक्रिय त्याग करती आमर शोषण शोषण प्रक्रिय ही त्याग करती से कौन कहते देख स्टोमाटा माध्यम गृहीत होता अम्लजान गोटे कोषर अगर कोष को विसरित हो गछर डाल पत्र फूल फल भली प्रत्येक अंग में रही समस्त कोष निकट में पहुँची थाए जोटा तुमको मुझे से कहली आमर जो ये देखी कोष आम कोषर आसला कोषर गोटे कोष को गोटे कोष को हो आम डाल को गला पत्र को गला विभिन्न पार्टस को तार गला तो ये मन कौन कौन रख उद्भिद विसरण प्रक्रिय अम्लजान ग्रहण करें निम्नमान उद्भिद निज शरीर में उपस्थित कोष मध्यम परेशर अम्लजान ग्रहण करें सबुज पत्र उद्भिद स्टोम स्टोम बा स्टोमाटा मध्यम अम्लजान ग्रहण करें
कोशिय शोषण में बाहर अंगारकाम्ल आलोक श्लेषण में व्यवहृत हुए। आलोक शोषण में बाहर अंगारकाम्ल अम्लजान शोषण प्रक्रिय व्यवहृत हुए। देख लिखु आलोक शोषण प्रक्रिया देख ये तीन टा मन रख लो आम विसरण प्रक्रिया अदेन आम सबुज पत्र उद्भिद स्टोम स्टोमाटा साम्लजान ग्रहण कै निम्नमान उद्भिद तर शरीर कोषर अम्लजान ग्रहण कर ये मन रख कोषीय शोषण रे शोषण रे बाहर थिबा अंगारकाम्ल आलोक शोषण व्यवहृत हुए। बुझिपाल तो तापे जो अंगारकाम्लटा व्यवहार होता जो अम्लजानटा बाहर के प्रक्रिय बाहर देख आलोक शोषण बाहर पॉइंट वाइज एमती मन रख बुझाप मुझे कहली से दिन बेले आलोक शोषण अंगारकाम्ल ग्रहण करथाय बोली आलोक शोषण बाहर थिबा अम्लजान शोषण प्रक्रिया रे व्यवहृत हुए। तो बुझिपाल तबे टोटल उपरे उद्भिद शोषण बुझिपाल तो कौन ये आम स्टोम बा स्टोमाटा साहाज्य से विभिन्न आम गछर डाल पत्र फूल फल को अम्लजान कोष निकट में पहुँची थाए कोशीय सबुज पत्र स्टोम बा स्टोमाटा और कोशीय शोषण में बाहर अंगारकाम्ल आलोक शोषण व्यवहार होता है। आलोक शोषण बाहर अम्लजान शोषण प्रक्रिय व्यवहार होता है। यहाँ मन अंगारकाम्ल आलोक शोषण में व्यवहार होता है। यहाँ आलोक शोषण बाहर अम्लजान शोषण प्रक्रिय व्यवहार होता है। तो उद्भिद शोषण गला एवं आम कौन देखा प्राणी मान शोषण केमी हो प्राणी मान शोषण बुझिपाल उद्भिद शोषण तो देख प्राणी मान शोषण प्राणी मान शोषण केमती होती देख देख मु तुमको किसी पॉइंट आकार देखेद तो क्यों प्राणी आम प्राणी भितर तुम जान कोष अनुसार से मानक भाग कराई जार कोष एक कोष अच्छी तो एक कोशी कहु जार बहुकोष अच्छी बहुकोशी कहुची तो आम जमी पढ़ी रेचन में समस्त रेचन अंग अलग अलग प्रकार था तो सेमती प्राणी मान शोषण भी अलग अलग शोषण अंग थाए तो देख एक कोशी में कौन रोचे बहुकोशी में कौन रोचे देख मुझे टेबुल आकार गोटे देखा तो मन रखापी सर्ट क्वेश्चन आसे देख फास्ट रहा जलचर प्राणी देख मन रख यहाँ जलचर प्राणी तुम ए जलचर प्राणी के प्रक्रिय विसरण प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया मन रख लापर आसला कौन आम एक कोशी हाइड्रा ये सब देख एक कोशी हाइड्रा ये सब भी आमर विसरण देख जिया आउ जोको देखो जिया केमती श्वासक्रिया संपादन करथाय जिया आउ जोको ओदालिया चर्म ताको चर्म द्वारा से माने श्वासक्रिया करथांती ओदालिया चर्म देन देख आमर बेंग मुखगहर फुसफुस ओतालिया चर्म देन देख
ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେନ୍ ଅସରପା। ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଏସବୁ ଗାଲି। ଦେନ୍ ମାଛ, ଗାଲି। ବତକ, ସାପ, ପାରା, ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶୋଷଣ ହେଉଛି କାହାର କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି? ଦେଖ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ତେନ୍ ଦେଖ, ଏକକୋଷୀ, ହାଇଡ୍ରା, ଏସବୁ ବି ଆମର ବିସରଣ। କିନ୍ତୁ ଜିଆ ଆଉ ଜୋକ, ଏମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି? ଓଦାଳିଆ, ତାଙ୍କ ଚର୍ମରେ। ଦେନ୍ ଦେଖ, ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ? ମୁଖ, ଗୋହର, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଜାଣିଥିବ, ବେଙ୍ଗର ଯେଉଁଟା ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଯେଉଁଟା, ତ ବେଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଆମର ଉଭୟଚର, ସେ ଜଳରେ ବି ରହିପାରେ, ସ୍ଥଳରେ ରହିଥାଏ। ତା ଯେତେବେଳେ ଜଳଚରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାଏ, ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେଇଥାଏ, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଯେଉଁଟା ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମର ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାଏ। ତ ଅସରପା, ଅସରପାର ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର। ଦେନ୍ କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ମାଛ ଗାଲି, ଆମର ବତକ, ସାପ, ପାରା, ମନୁଷ୍ୟ, ଏସବୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେନ୍ କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି, ଏ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କହିଥାନ୍ତି। ତ ବୁକ୍ରେ ଦେଖ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଲି, ଜଳଚର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏକକୋଷୀ, ଛିଦ୍ରାଳ ଓ ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକକୋଷୀ ଆଉ ହାଇଡ୍ରା, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତ ଏମାନେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାରୁ, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି, ତ ପାଣିରୁ ଜଳରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିଛି, ଜୋକ ଆଉ ଜିଆ, ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ। ଦେନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ, ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ବାଟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଶୋଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ବେଙ୍ଗ ମୁଖ, ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଦେଖ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗର ଲେଖିଛି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବି କରିଥାଏ, ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ବି କରିଥାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବି କରିଥାଏ। ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି, ମୁଖ, ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମେନଲି ତା'ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ଥାଏ, ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ ସେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରେ? ମନେ ରଖିବ, ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ଶୀତ ସୁପ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଅସରପାର ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ରହିଲା? ଆମର ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର। ଅସରପା ସେଇ ଜାତୀୟ ଯେତିକି କୀଟପତଙ୍ଗ ରହିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେନ୍ ସେ ଦେଇଛି, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏଠି, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, କାହା ଦ୍ୱାରା? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା।
ତାପରେ ଦେଲା ଏହା ମାଛ ଠାରୁ ମାଛର ଗାଲି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଦେଖ ମାଛ ବି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାଇଁ ଲେଖିଲିନି ମାଛର ଗାଲି ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକାଙ୍କର ଗାଲି ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ ଅଲଗା କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଏସବୁ ଗାଲି ଆଉ ମାଛ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗାଲି। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ସାପ ପାରା ବତକ ବାଦୁଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବତକ ସାପ ପାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ଆମର ମେନଲି ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ଏମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ପାଣିରେ ପ୍ରାଣୀ ପାଣିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନ କରି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ବେଙ୍ଗର ଲାଭ୍ରା ବା ଶୁକାବସ୍ତା ବା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଓ ମାଛ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାଏ ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୋଷଣ ବୁଝିଥିଲ ଉଦ୍ଭିଦର ମେନଲି କ'ଣ ଥିଲା ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ମନେ ରଖିଲ ଏସବୁ ଜଳଚର କ'ଣ ଏକ କୋଷୀ କ'ଣ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମାଛ କହୁଥିଲେ କଙ୍କଡ଼ା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ ମେନଲି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଜାରଣ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖିବା ଜୈବିକ ଜାରଣ ଦେଖ ଜୈବିକ ଜାରଣ କ'ଣ ଦେଖ ତମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଜାଣିଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଓଟୁ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମେନଲି ଆମର ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଦହନ ଦହନ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଗ୍ନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିବା ବା ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଲାଗିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦହନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନର ଦହନ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଜୈବିକ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଜୈବିକ ଜାରଣ ବୁଝିପାରିଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନରେ ସହାୟକ କଥା ଅମ୍ଳଜାନର ଦହନ ସମୟରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇ ତାପଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଜୈବିକ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ବୁକ୍ରେ ଦେଖ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନରେ ସହାୟକ ମୁଁ କହିଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣୁ ଦହନ ବେଳେ ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନ ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏହିଭଳି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୈବିକ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଦହନ ହେଉ କି ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଜୈବିକ ଜାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିଲ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଜାରଣ ହେଉଛି ଏ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବକୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କୋଷ ଜୀବକୋଷ ତ ଜୀବକୋଷରେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କହୁଛି ଆମର କିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୋଷ ଜୀବକ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ଆମର ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷ ଜୀବକ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମନେ ରଖ କୋଷ ଜୀବକ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମ ଜୀବ ଶରୀରର କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହେଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏଡିନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ବା ATP ଅଣୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ିଥିଲ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରହୁଛି ATP ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଦେଖ ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶକ୍ତି ଅଣୁରେ
कौन होमर बांधी हो रुचि तापर कौन दे देख तेणु जीवकोश रे एटीपी शक्ति मुद्रा और माइट्रोकॉन्ड्रिया को शक्ति केन्द्र रूपे कार्य करे। यहाँ मन रखिबो आमर मेन पॉइंट आसे बहुत क्वेश्चन आसे एमती कि स्कूल नुहे आमर पर भी तुम जी साइंस नहीं पढ़ प्लस टू लेवल तो यार तो अधिक अधिक पढ़ तो युवा मेनली ये क्वेश्चन गुड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आसे जीव शरीर जीवकोश रे जीवकोश रे एटीपी शक्ति मुद्रा एटीपी शक्ति मुद्रा ओ माइट्रोकॉन्ड्रिया मन रख ओ माइट्रोकॉन्ड्रिया शक्ति केंद्र शक्ति केंद्र रूपे कार्य करे। ये मेन क्वेश्चन गोटे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट गोटे आम जीव शरीर में शक्ति मुद्रा क्या कहा जाए ना एटीपी आ शक्ति केंद्र क्या कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया तो मन रख लो। तापर से कौन देखिए देख श्वसन में उत्पन्न शक्ति एटीपी गठन में व्यवहृत होता है तो से जो मुझे तुमको से कहली जो श्वसन तापशक्ति कि जो शक्ति उत्पन्न होता कौटी रोचे आमर एटीपी अणु में बांधी होगी रोचे तो सहीटा से कहे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी देख एटीपी थिला एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है से कौन कौन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बा एडीपी रे गोटे फॉस्फेट अणु मिसिले एटीपी गठित होता है तो मन रख एडीपी प्लस गोटे फॉस्फेट अणु रहला मिसिले आम कौन हो एटीपी ये मन रख तो सी कौन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बा एडीपी सहित गोटे फॉस्फेट अणु मिसिले आमर कौन गठन एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रासायनिक प्रक्रिया एटीपी भाग नहीं गोटे एटीपी अणु को भांगी एडीपी और पीआई में परिणत करने देख यहाँ मुझे कौन लिखी गोटे एडीपी पीआई मिसिकी एटीपी होती एटीपी को भांगे देख रिवर्स एटीपी को यहाँ रिवर्स साइन दिखाई एटीपी को भांगे आम कौन हो एडीपी आ फॉस्फेट ये भांगापी गोटे एटीपी अणु को भांगिकी गोटे एडीपी और फॉस्फेट में परिणत करने को केते शक्ति आवश्यक होता है 30.5 किलो जूल किलो जूल शक्ति आवश्यक होता है तो मन रख लो यहाँ केते शक्ति गोटे एटीपी अणु को भांगिकी गोटे एडीपी और फॉस्फेट अणु में परिणत करने को आमर 30.5 किलो जूल शक्ति आवश्यक होता है। पेशी और शोचन पुष्टिसार संश्लेषण स्नायुविक आवेग संचरण भली समस्त प्रक्रिय एटीपी व्यवहृत होता है तो देख बुझिपाल यथर जैविक जारण कौन आमर अम्लजान दहन में जो तापशक्ति उत्पन्न होता है सीधा जीव शरीर रहता है जैविक जारण होता है आमर जीवकोश रे आमर एटीपी है शक्ति मुद्रा माइट्रोकॉन्ड्रिया है शक्ति केन्द्र रूपे कार्य करता है। आउ कौन देखिले आम एटीपी एटीपी और एडीपी विषय में देखिले एडीपी गोटे फॉस्फेट अणु सहित मिसिकी एटीपी उत्पन्न परिणत हो एटीपी को भांगिले से एडीपी फॉस्फेट अणु फॉस्फेट रे से परिणत होते शक्ति आवश्यक हो 30.5 किलो जूल। एवं तुम्हें बुझिपार उद्भिद आ प्राणी शरीर श्वसन केमी प्रकार अलग अलग तो बुझिपार तो देख सहीटा से बुक रे देख उद्भिद और प्राणी मान श्वासक्रिय पार्थक्य है उद्भिदर स्टोमाटा दे अम्लजान अंगारकाम्ल गैस विनिमय हुए किंतु प्राणी शरीर में एथिपाई भिन्न भिन्न अंग अच्छी जोटा कि मेनली तुम्हें जब खाली पॉइंट ये देख उद्भिद आ प्राणी श्वसन भितर डिफरेंस तो उद्भिद ने आम कौन रोज स्टोम बा स्टोमाटा किंतु सीटा प्राणी शरीर में कौन हो विभिन्न अंग रोचे जोटा कि मुझे तुमको टेबुल आकार से देखेली जीआर केमती मनुष्य कौन सब अलग अलग रोच तो सहीटा से कही उद्भिद प्राणी मान स्वास्थ्य पार्थक्य है उद्भिद स्टोमाटा दे अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस विनिमय होता है ओनली स्टोम बा स्टोमाटा किंतु प्राणी रो विभिन्न अंग थाए एबे देखो उद्भिद प्राणी देखिले एबे आम मनुष्य विषय देखिए मनुष्य श्वासक्रिया केमिति होता है देखो।